अगर आपको पता था ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन आप फिर भी नहीं बोले, तो इसका मतलब आप तो देशद्रोही हो। बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हो? आप हिंदू को तो मार दिए, आप तो हजारों हिंदू को मार दिए ट्रेन एक्सीडेंट में। बागेश्वर धाम जो खुद को बाबा ने ढाबा बोलते हो, सच में तुम ढाबा हो, तुम ढोंगी हो, तुम धोखाबाज हो, तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, तुम कोई बाबा बाबा नहीं है। तो किसान आंदोलन में 700 लोग शहीद हो गए, वो दुर्घटना नहीं था? यहाँ 300 लोग शहीद हो गए तो आप बोले दुर्घटना है? दिल्ली राइड में 50 से ज्यादा लोग मर गए, एनआरसी का टाइम 100 लोगों को आपने मार दिया, कितना लोग मर गए, तब दुर्घटना नहीं होती है? तब आपको लोगों का जान का फिक्र नहीं होता है? तब कोई इंसाफ का बात नहीं करता है? जो इतना शहीद हो गए, जो इतना मर गए, जिसका बॉडी नहीं मिल रहा, देख के आंख से आंसू आ जाता है कि बच्चा का बॉडी किस तरीके से उठा के फेंक दे रहा है। हजारों लोग वहां से शहीद हो गए, और गोदी मीडिया क्या कह रहे हैं कि मोदी जी वहां पे गए तो मोदी जी को गर्मी लग रहा था। ट्रेन कवच, वो वीडियो देखा होगा, यहाँ से ट्रेन आएगी, यहाँ से ट्रेन आएगी, जब दोनों सामने होगा अपने आप लॉक हो जाएगा। तो कहाँ गया वो लॉक? अरे आप ट्रेन का लाइन लॉक नहीं कर, अब हिंदुस्तान का लोगों का दिमाग को लॉक कर दिए। तो हिंदुस्तान बहुत डेवलप्ड है, मोदी जी आने के बाद इतना डेवलप्ड हो गया कि हम लोग जमीन से चलते नहीं, हम लोग हवा में उड़ते हैं मोदी जी आने के बाद। अब हम लोग चलते नहीं, अब खाना खाने नहीं पड़ता, मुंह में आ जाता है। तो इतना एडवांस जब इंडिया हो गया है तो हम लोग एक काम कहीं नहीं करते, पता लगा लेते कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया कि मंदिर का बदली मंदिर, जिसने ये वायरल किया, पता लगा लीजिए कौन है। मैं अपना माँ का कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान निकल गया ना तो मेरा नाम है सुअर पाल दीजिएगा। एबीपी न्यूज का एंकर रहता है, बोलता है कि यहाँ पे एक एंकर है जिसका चाचा का नाम है ये द्विवेदी, जिसका चाचा का नाम है द्विवेदी तो आ जाए। अब वो आ गया, मेरा चाचा का नाम द्विवेदी है। अब आने का बाद बोलता है ना, हम मान गए बाबा जी, हम मान गए, बागेश्वर धाम की जय। आपको कैसा पता चला मेरा चाचा का नाम? अरे बेवकूफ, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक खोलेगा, चाचा का नाम, माँ का नाम, दादी का नाम, सबका नाम पता चल जाता है। चाचा का नाम बता दिया बाबा जी, तो बाबा जी भगवान हो गए। भाई क्या ये तुम्हारा ये धर्म है? बालासोर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लोग कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ, मेरे हिसाब से एक्सीडेंट नहीं, एक प्री प्लान मर्डर था। बहरहाल अब मेरा कहने से क्या होगा, ये तो एक्सीडेंट लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है एक्सीडेंट, अब जांच के बाद आएगा किसका गलती था नहीं गलती था। बहुत दुख की बात है कि जिस तरीका से सरकार कह रही है कि करीब करीब 300 लोगों की हत्या हुई है, मतलब 300 लोग मर चुके हैं और हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है अस्पताल में है, जोखिम है। लेकिन ये जो दुर्घटना है बहुत ही, मतलब पिछला 25-30 सालों से ऐसा दुर्घटना कभी घटा नहीं था। लेकिन अब जो एक तो ढोंगी है, जो खुद को बोलता है कि मैं तो बाबा नहीं मैं ढाबा हूँ, वो खुद बोलता है मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा बोलता है कि हमको पता था, तो अगर बाबा बोल रहा हमको पता था एक्सीडेंट होने वाला था, तो हमको मेरा सरकार से गुजारिश है कि सबसे पहले जाके बाबा को अरेस्ट करे, बाबा से जाके पूछताछ करे, बाबा को ऊपर कार्रवाई करे। जितना अटेम्प्ट टू मर्डर, प्री प्लान मर्डर का जितना भी धारा लाया, सब बाबा को ऊपर लगना चाहिए। उसके बाद बाबा को अरेस्ट करके पूछताछ करना चाहिए कि बाबा आपको पता कैसे चला, बाबा जी आपको पता कैसे चला कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला। आप स्टेज में लाखों लोगों का सामने आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हो? आप हिंदू को तो मार दिए, आप तो हजारों हिंदू को मार दिए ट्रेन एक्सीडेंट में। अगर आपको पता था ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन आप फिर भी नहीं बोले, तो इसका मतलब आप तो देशद्रोही हो। बागेश्वर धाम जो खुद को बाबा ने ढाबा बोलते हो, सच में तुम ढाबा हो, तुम ढोंगी हो, तुम धोखाबाज हो, तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, तुम कोई बाबा बाबा नहीं है। हिंदू का इमोशन के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, जो नादान शरीफ हिंदू भाई बहन है तुम उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और तुम बोलते हो कि हमको सब पता था, जो बाबा नहीं बोलते कि मेरा पागलो, तो मैं कहता हूँ कि बाबा को अगर सब पता है तो बाबा बोलते बाबा मरिएगा कब, चलिए बाबा मेरा पर्चा लिख दीजिए, मकबूल कब मरेगा, इसके मकबूल कब मरेगा बोल दीजिए, आप मेरा दादा का नाम बता दीजिए। अरे आपको मैं तो कहना चाहता हूँ, ये बाबा का जितना पागल है, जितना भक्त है बागेश्वर धाम का, जो बोलते हैं कि हमको सब पता है, हम पर्ची लिखते हैं। अरे बाबा से पर्ची लिखता है किसका केट में बच्चा है, किसका का बीमारी है, किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका बिजनेस है, किसका साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया, किसको का बेइज्जती करा, बाबा यही करते, कभी बाबा किसी का सॉल्यूशन नहीं देते। मैं कहना चाहता हूँ जितने इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज हम लोग हिंदुस्तान में, वहाँ पे सब बाबा का जो भक्त पागल है उन लोग को भर देना चाहिए, NIA में, CBI में, ED में, जितना जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सब, तो बाबा का जो पागल लोग जो है, जो भक्त बाबा बाबा करते हैं, उन लोग को घुसा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सब पता है। बाबा का बयान देश के भला के लिए था कि हमको पता था, आइंदा सरकार पूछेगी बाबा से। अच्छा तो नहीं, तो इसका मतलब आप बोलने वाले हमको पता रहेगा कि वहाँ बम ब्लास्ट होना है, हम चुप से बैठ के रहेंगे, उसका बोले हम देशभक्ति दिखा रहे, हम देश से मोहब्बत करते, इसलिए बम ब्लास्ट होने दिया, हजार लोगों को मरने दिया, और अभी हम बोलेंगे हमको पता था।
अरे ये बाबा नहीं देशद्रोही है, ऐसा बाबा को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। राम रहीम का क्या हशर हुआ? क्यों बाबा को अरेस्ट करना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बना तो बाबा को पूजा करना चाहिए। बाबा को आप पूजा कीजिए, ऐसे अंधभक्त पूजा कर रहा, गोबर भक्त पूजा कर रहा, गाय का मूत पी रहा, गोबर खा रहा और बाबा का पूजा कर रहा, तो आप भी जाकर पूजा कीजिए। अरे बाबा मतलब तुम एक धर्म गुरु हो, तुम वहां पे बैठ के सनातन का बात करते हो और तुम वहां हिंदू मुसलमान का लड़ाई लगाने का बात करते हो। तुम्हारा बहन खुद मुसलमान से शादी किया हुआ है, तुम्हारा बहन खुद मुसलमान से शादी किया हुआ है और तुम हिंदू राष्ट्र का बात करते करते हिंदू को तुम मार दिया। आज बाबा कैसे मारे? एक दुर्घटना हुई। और आप नहीं, आप कौन सी दुर्घटना का बात कर रहे हो? आज लोग कह रहे हैं कि 25 साल में 30 साल में ऐसा दुर्घटना कभी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ किसान आंदोलन में 700 लोग शहीद हो गए, वो दुर्घटना नहीं था? या 300 लोग शहीद हो गए तो आप बोले दुर्घटना है? दिल्ली राइड में 50 से ज्यादा लोग मर गए, एनआरसी का टाइम 100 लोगों को आपने मार दिया, कितना लोग मर गए तब दुर्घटना नहीं होती है? तब आपको लोगों का जान का फिक्र नहीं होता है? तब कोई इंसाफ का बात नहीं करता है? अरे बेशक इसकी बहुत दुर्घटना, मतलब ये जो दुर्घटना हम इसको कंडेम करते हैं, बहुत खराब हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन शर्म आना चाहिए, लेकिन शर्म आना चाहिए मोदी को, नरेंद्र मोदी को, जो एक चाय वाला है, जो देश का प्रधानमंत्री बन गया, आपको शर्म आना चाहिए। आप वहां भी जाते फोटो शूट करने के लिए, वहां भी जाते एक्टिंग करने, और गोदी मीडिया क्या कर रहा है कि इतना गर्मी है, 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, मोदी जी इतना गर्मी में भी चले गए। मतलब मोदी जी को देश का जनता का फिक्र नहीं है, गोदी मीडिया को देश का जनता, देश का लोग जो इतना शहीद हो गए, जो इतना मर गए, जिसका बॉडी नहीं मिल रहा, देख के आंख से आंसू आ जाता है कि बच्चा का बॉडी किस तरीके से उठा के फेंक दे रहा है, हजारों लोग वहां से शहीद हो गए। और गोदी मीडिया क्या कह रहे कि मोदी जी वहां पे गया तो मोदी जी को गर्मी लग रहा था। अरे तो मोदी जी को गर्मी लग रहा हो तो एक काम करो, पूरा एसी बना दो हिंदुस्तान को, हर जगह से एसी से छावनी कर दो। शर्म आना चाहिए रेलवे मिनिस्टर का। मंत्री राहत का काम करने के लिए गए थे, देखने हालात का जायजा लेने गए, हालात का आप उसको भी राजनीति। अरे हालात का जायजा लेकर आप एक बात बताइए, मालगाड़ी खड़ा था, दूसरा गाड़ी आके मालगाड़ी को मारा, उसके बाद 10 मिनट बाद तीसरा गाड़ी आके कैसा मार दिया? मतलब आपका जो इंटरलॉकिंग जो सिस्टम, आप जो बोलते हैं कि मोदी आने के बाद डिजिटल इंडिया हुआ, मोदी आने के बाद हिंदुस्तान ऐसा हुआ, हिंदुस्तान वैसा हुआ, पाकिस्तान में घुस के मारा, चाइना में घुस के मारा, चाइना अंदर आके घुस के बैठ गया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अरे आए दिन ट्रेन का दुर्घटना हो रहा है। मतलब आपका एडवांस टेक्नोलॉजी जो ट्रेन कवच था, तो कवच कहाँ गया? आप देश का लोगों का जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश का लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। किसान आंदोलन का नाम में 700 लोग शहीद हो गए, एनआरसी का टाइम 100 से ज्यादा लोग मर गए, उसके बाद जब दिल्ली दंगा हुआ वहां पे लोग मर गए, आप आए दिन लोगों का जान के साथ खेल रहे हो। मतलब हिंदुस्तान के लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है? आपको वोट देकर प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि ट्रेन दुर्घटना में हजारों लोग मर जाए, उसके बाद आप आके बोलोगे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी करेंगे। और यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मोदी मोदी करते करते देश को बर्बाद कर दिए। 2024 के इलेक्शन आ रहा है भाई, तुमको भी जो जय श्री राम बोलता है उसको भी रोजी रोटी चाहिए होता है। जय श्री राम बोलने वाला भी 106 रुपया में तेल खरीद रहा, जय श्री राम बोलने वाला भी 1200 रुपया में पेट्रोल खरीद रहा है। तो बेवकूफ का तरह जिंदगी भर गोबर भक्त अनभक्त, गाय का गोबर खाते हो और गाय का मूत पीते पीते दिमाग भी गोबर जैसा हो गया, जो मर्जी वही बोलते रहते हो। तो किससे आपसे जोड़ दे? आप प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आप है, रेलवे मंत्री आप है। अरे भाई सत्ता में जो बैठे हैं सवाल उसी से करेंगे। ट्रेन कवच वो वीडियो देखा होगा, यहाँ से ट्रेन आएगी, यहाँ से ट्रेन आएगी, जब दोनों सामने होगा अपने आप लॉक हो जाएगा। तो कहाँ गया वो लॉक? अरे आप ट्रेन का लाइन लॉक नहीं कर, अब हिंदुस्तान का लोगों का दिमाग को लॉक कर दिए। अरे ऐसा लॉक कर दिया, ऐसा गोबर भक्त बना दिए इन लोगों को कि एक लड़का कुछ दिन पहले बोल रहा कि लाल किला मोदी जी बनाया, जामा मस्जिद योगी जी बनाया, फतेहपुर सीकरी योगी जी बनाया। मतलब कैसा भक्त बना दिए कि मुगल जो बनाया बोल रहे कि मोदी जी बनाया। वाह 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 मोदी जी वाह, क्या बना दिए बेवकूफ। और जब बागेश्वर धाम को कहना चाहते हो, तुम अपना माँ का जायज औलाद हो, तुम अगर सच में हिंदुत्व का बात करते हो, तुम अगर सच में बोलते हो सनातन, सनातन का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक लाखों हिंदू का सामने मुसलमान को मारने का बात करो। तुम अगर सनातन हो तो तुम कम से कम ये बात कभी नहीं करोगे कि मुसलमान को मार दो, मुसलमान को काट दो। तुम हिंदू मुसलमान की एकता का बात करोगे, मिलजुलने का बात करोगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बाबा को, ये बाबा जो है सिंघम रिटर्न, कोई मूवी देखा आप लोग? देखे होंगे सिंघम रिटर्न। सिंघम रिटर्न में बाबा रात में जाके क्या करता है? जब अपना भक्त लोग को बेवकूफ बनाता है पूरा दिन, उसका रात में जाके बाबा हंसता है, घर में बैठ के ना हंसता है कि कैसा बेवकूफ बनाया। तो जितना धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का जितना भक्त है ना, जब वो बोलते हैं ना कि आपकी आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, आपका बाबा का नाम अब्दुल है और मम्मी का नाम फराना बेगम है, आपका बेटा का नाम ये, सही बोला कि नहीं? बागेश्वर धाम की इज्जत। अबे आज हम निकलना कोई बड़ा बात है?
और मुझे अफसोस है, मैं एकदम मजाक नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे अफसोस होता है मेरा वो समझदार हिंदू भाई बहनों से कि यार ये बाबा दो दिन बाद पता चला कि रेपिस्ट है। आशाराम रहीम कहाँ, आशाराम बापू कहाँ, चिन्मयनायन स्वामी कहाँ, ये सब वही बाबा है जिसको तुम भगवान मान के पूजा करते थे और आज रेप करके जब कोर्ट जजमेंट सुनाए तो जेल में। अरे तुम नहीं रुके, भगवान मैं कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू भाई से बहुत सम्मान के साथ, भगवान किसको मानते हो तुम, कृष्णा को मानते हो, राम को मानते हो तुम, दुर्गा को मानते हो, सीता को मानते हो, गणेश को मानते हो, यार आशाराम रहीम जैसा रेपिस्ट को भगवान मानते हो, तुम डिसाइड कर लो भाई। मेरे 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 सामने कोई मौलाना आएगा बोलेगा हुम मंत्र छू बच्चा हो जाएगा इसका, छू मंत्र छू बीवी हो जाएगा, मतलब बिल्डिंग बन जाएगा भाई, ऐसा मौलाना मेरे सामने आएगा तो उसका पिछड़ा बना आत्मा के भगा देंगे। तो भाई तुम्हारे भी धर्म में, तुम अगर अपना धर्म को मान रहे हो तो भाई अपना भगवान को मानो, गीता को मानो, वेद को मानो, जो तुम्हारा धर्म में लिखा वो मानोगे, या एक तो 26 साल का लौंडा धीरेन्द्र शास्त्री उसका कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। अगर तुम्हारा तुम अपना माँ का जायज़ औलाद हो ना तो एक बार मौला हमारे बड़े बड़े आलिम है उलेमा हिंदुस्तान में मौलाना सलमान अजहरी से डिबेट करके देखो, तुमको नंगा कर देगा, तुम्हारा जबान नहीं चलेगा। तुम क्या करते हो, अपने हिजड़ों का फौज बना के रखे हो, लाखों का लोगों के सामने तुम बोलते हो मेरा यहाँ आइए मेरा वहाँ आइए, गुंडा पाल के रखे हो, तुम्हारे साथ पुलिस है, तुम्हारे साथ सरकार है, तुम्हारे साथ प्रशासन है, पूरा कानून व्यवस्था तुम्हारे साथ है, और उसके बाद लाखों तुम अनभक्त पैदा करके रखे हो, उन लोग का सामने बोलते हो कि हमारे यहाँ आइए हमारे वहाँ आइए। अरे तुम अगर मर्द हो तो एक काम करो, तुम अकेला में मिलो, कोई एडवर्टाइजमेंट मत करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और कोई मुसलमान आलिम उलामा को लाओ, तुमको नंगा नहीं कर दिया, मेरा नाम इसके मकबूल नहीं। कौन सा चमत्कार, एबीपी न्यूज का एंकर रहता है बोलता है कि यहाँ पे एक एक एंकर है जिसका चाचा का नाम है ये द्विवेदी, जिसका चाचा का नाम है द्विवेदी तो आ जाए, अब वो आ गया, मेरा चाचा का नाम द्विवेदी है, अब आने का बाद बोलता है ना हम मान गए बाबा जी हम मान गए, बागेश्वर धाम की जय, आपको कैसे पता चला मेरा चाचा का नाम। अरे बेवकूफ, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक खोलेगा चाचा का नाम, माँ का नाम, दादी का नाम, सबका नाम पता चल जाता है, चाचा का नाम बता दिया बाबा जी तो बाबा जी भगवान हो गए। भाई क्या ये तुम्हारा ये धर्म है, तुम अपने धर्म का खुद मजाक बनाते हो। और मैं कहना चाहता हूँ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बात कहना चाहता हूँ, शोएब जमाई ये जो रशीदी जितना मुसलमान मौलाना सो कॉल्ड मौलाना जिसको इस्लाम का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, आज वो डिबेट में जा रहे, कल सुबह ही खाने एक औरत वो शोएब जमाई को मारने चले गई, आज डिबेट में क्या हो रहा है, डिबेट में कुरान क्या है डिबेट में डिसाइड करेगा, हदीस में क्या सही क्या गलत, ये गोदी एंकर दो कोड़े खड़ा होकर मुत कर पानी नहीं लेते, वो हमारे कुरान का डिसाइड कर रहा है डिबेट में बैठ के, मीडिया डिसाइड करेगा हमारे कुरान सही है कि गलत है, हदीस सही की गलत है, ये तुम लोग। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा शोएब जमाई जैसे जितना भी मुसलमान ये मौलाना बन के जो जाते मुसलमान को रिप्रेजेंट करते, सबसे पहला बात तो ना ये हम लोग इसको भेजते, ना ये मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग जाते इस्लाम और मुसलमान का बदनाम कराते और वहाँ जाके बेहरुमती करते, ये लोग डिबेट में बैठ के आज क्या क्या तुमने नहीं कर दिया, तुम 72 हुरे फिल्में लेकर आए, केरला स्टोरी तुम लेकर आ रहे हो, कश्मीर फाइल तुमने लेकर आ रहे हो, तुम अगर अपना माँ का जायज़ औलाद हो, तुम अगर मर्द का बच्चा हो तो गुजरात फाइल लेके आओ, मुजफ्फरनगर फाइल लेके आओ, लव घर वापस के ऊपर फाइल लेके आओ, तुम मॉबलिन जी के ऊपर फाइल लेके आओ, दिल्ली राइट के ऊपर फाइल लेके आओ, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है ये सब फाइल लेके आने का, तुम ये सब मूवी लाते हो मुसलमान को बदनाम करते हो, बताइए किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने जब आज़ादी के लिए लड़ा था क्या ये दिन देखने के लिए लड़ा था कि एक वक्त आएगा कि मूवी बनेगा 72 हुरों पे, केरला स्टोरी पे, द कश्मीर, आज बताइए एक मूवी आता था पहले हम लोग क्या इन्जॉय करके देखने जाते थे कि डबल ये धमाल आया हल्ला बोलाया फलाना आया ढमकाना है, अभी कौन सा मूवी आ रहा है, अभी ऐसा मूवी आ रहा जो कि एक तबका देख रहा है एक तबका नहीं देख रहा है। तो देखिए अब मुसलमान का जो क्या बोलते हैं ज़मीर जो मर चुका है, आज कहाँ चलेगी, आज 72 हुर जा हम लोग को जन्नत में क्या मिलेगा क्या नहीं, जो हमारा अल्लाह का कॉल है, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, वो सब डिसाइड हो रहा है, तो डिबेट में डिसाइड हो रहा है। हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए और बड़ा तादाद में इस फिल्म का प्रोटेस्ट करना चाहिए, आज हम घर में चुप से बैठ के रहते, बैठते बैठते आज मॉब लिंचिंग होता कुछ नहीं बोलते, घर वापसी का बात होता कुछ नहीं बोलते, हमारे ऊपर आए दिन अजान को रोका जाता कुछ नहीं बोलते, नमाज पढ़ने से रोका जाता कुछ नहीं बोलते, मदरसे में घुस घुस के बच्चा लोग से माइक लेकर बेइज्जती किया जा रहा उसका लेकर हम कुछ नहीं बोलते, आज करते करते चुप रहते रहते ऐसा सिचुएशन आ गया कि आज हमारे हुजूर का सामने घुसपाई कर रहा है हम कुछ नहीं बोल रहे, क्यों कुछ नहीं बोले कि हम चुप से बैठ के। हम लोग को चाहिए कि ये सब मूवी जो निकल रहा है ये सब मूवी के खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो
वक्त है, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। मुसलमान को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपना हक के लिए लड़ना चाहिए संविधानिक तरीका से। लड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम तलवार लेके निकल जाओ, लाठी लेके निकल जाओ, कोई हिंदू को पकड़ के मारो, कोई तुम किसी का मंदिर जला दो। ये हमारा ना आलिम सिखाता है, ना उलेमा सिखाता है, ना हमारा दीन सिखाता है, ना हमारे बुजुर्ग सिखाते, ना हमारे माँ बाप सिखाते। हम हिंदुस्तान में रहते, संविधान को मानते, संविधान मान के प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन तुम जितना जुल्म कर रहे हो, तुम जुल्म करके सोचोगे मुसलमान डर जाएगा। अरे यार, मुसलमान डरने का रहता ना तो तुम उत्तर प्रदेश में योगी जी आए दिन मुसलमान को लट बजाता है, लेकिन कोई चुप नहीं रहता है। आज इसके मकबूल भी घर में बैठा रहता है, लेकिन मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता। मुसलमान डरता तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है। तो मारते मारते थक जाओगे, मुसलमान कभी किसी का बाप से नहीं डरेगा। एक आखिरी सवाल, बालेश्वर रेल एक्सीडेंट में बताया जा रहा है मंदिर को मस्जिद बताया जा रहा है, और जुमे का दिन स्टेशन मास्टर की गलती बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। आप देखिए एक बात, इन लोग का यही प्रोपेगेंडा है कि उन लोग, एक तो मैं कह रहा हूँ वो जो मंदिर है वो क्या कहते हैं, वो जो हरे कृष्णा बोलते हैं उन लोग का, इस्कॉन टेम्पल है वो वाला, तो इस्कॉन टेम्पल में उसको दूर से सादा दिखा दिया कि वहाँ मुसलमान। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौन किया, इसका सिर्फ पता लगा लीजिए। आप पता लगा, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान बहुत डेवलप्ड है, मोदी जी आने के बाद इतना डेवलप्ड हो गया कि हम लोग जमीन से चलते नहीं, हम लोग हवा में उड़ते हैं मोदी जी आने के बाद। अब हम लोग चलते नहीं, अब खाना खाने नहीं पड़ता, मुँह में आ जाता है। तो इतना एडवांस जब इंडिया हो गया है तो हम लोग एक काम कहीं नहीं करते, पता लगा लेते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया कि मंदिर का बदली मंदिर, जिसने ये वायरल किया, पता लगा लीजिए कौन है। मैं अपना माँ का कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान निकल गया ना तो मेरा नाम है सुअर पाल दीजिएगा, और निकाल दीजिए कौन है। और अगर निकल गया ये कौन रियल आदमी है, वही है देशद्रोही, और वो है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो आज हिंदुस्तान में बताइए, इतना बड़ा 140 करोड़ का आबादी है, हम लोग का शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, अस्पताल पे बात नहीं करते, देश का तरक्की में बात नहीं करते, हम लोग क्या बात करते। कभी हो गया वहाँ पे किसान आंदोलन में किसान बैठ के, NRCC में मुसलमान बैठ के, अग्निवीर ला के फौज बैठ के, कभी स्टूडेंट बैठ के, GST ला के बिजनेसमैन बैठ के, अभी तुमने जो देश का आन बान शान, जो हमारे देश का नाम रोशन किया, जो रेस्लर लोग जो वहाँ पे बैठ के है, आज तुमने यही कर रहे हैं। जब देखो यही चीज़ हो रहा है, मतलब देश का तरक्की का बात ही नहीं कर रहे हो आप। जब देखो किसी ने किसी सड़क में, अरे मोदी जी आप बीवी का साथ नहीं रहते, बच्चा आपका है नहीं, तो भाई हमको रहने दो ना भाई, अरे हम लोग को घर में रहने दो, हमें अपना माँ बाप का साथ, भाई बहन बच्चा से रहने दो। एक आप वो शादी करके बीवी को नहीं रखे, और एक वो टकला शादी नहीं किया, तो आप लोग दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हो। अरे मैं और मैं एक बात, और आप इस तरह का लफ्जों को इस्तेमाल, तो मैंने कहा गाली दिया तो लेके आइए पूजा करेंगे, मोदी जी को लेकर आइए पूजा करें, हमसे तो मिलेंगे नहीं, आप जैसे दलाल पत्रकार के साथ मिल ले, हमसे तो मिलेंगे नहीं। मोदी जी जाते पाकिस्तान में बिरयानी खाने और बोलते हैं मुसलमान देशद्रोही है। आप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जो रेसलर का सपोर्ट में जो आज हिंदुस्तान सड़क में है, आज हम भी सड़क में, मैं कह साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, मुसलमान होने के नाते, हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी होने के नाते हम आपके साथ है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं, वही साक्षी मलिक को कोरोना का टाइम में मुसलमान को गाली दी थी आप, बजरंग पुनिया आप वही हो जो कोरोना का टाइम में मुसलमान को गाली दिए थे, आप याद आ रहे हैं बीजेपी का चाल में तुम फंस के मुसलमान को गाली दी थी, आज मुसलमान तुमको सपोर्ट कर रहा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो बेटी बेटी करके सेकुलर, सो कॉल सेकुलर, बेटी बेटी करके हिंदुस्तान में पहुँचा हुआ है, वहाँ पे जंतर मंतर के पास पहुँच के बोला कि हम बेटी के साथ। मैं कहना चाहता हूँ भाई, बिल्किस बानो बेटी नहीं है क्या? मुस्कान खान बेटी नहीं है क्या? जब हिजाब से रोका जा रहा था वो बेटी नहीं है क्या? तब तुम लोग कहाँ रहते हो? वहाँ तुम्हारा भी सेकुलरिज्म, तुम्हारा भी सपोर्ट एक एक जगह में दिखता है, एक एक जगह में नहीं दिखता है। जब बिल्किस बानो होती है तब तुम सड़क में नहीं आते हो, मुस्कान खान होती है तब तुम सड़क में नहीं आते हो, जब हमारे बहन को हिजाब से रोका जाता है तब तुम सड़क में नहीं आते हो, और आज तुम आके सेकुलर बन के तुम दिखा रहे हो कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुमको सपोर्ट करना है तो सबके लिए इंसाफ अगर करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए लड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर कोई हिंदू भाई को मारेगा मेरा सामने, हम उसके लिए सपोर्ट में खड़ा रहेंगे। मैं नहीं देखूंगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, अगर वो हिंदू है, अगर वो इंसान है और मेरा दोस्त है। और एक तो कंडीशन है, RSS करने से नहीं चलेगा, RSS वाला मुसलमानों का भी नहीं मानता, बजरंग दलाला को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो यही है कि मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर सपोर्ट करना है तो सबके लिए सपोर्ट करो। तुम लोग सपोर्ट का टाइम भी देखते हो कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, ऐसा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा।